मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध के डेरे हैं। हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। कौमी शाहराहों पर सफर दुश्वार हो गया। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फेजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस कर शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। दौरान सफर फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। एक ही मुद्दे पे दो FIRें काटी गई हैं। एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं। तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है। ये एक है बात, अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है मगर तो बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सोमोटो में के हवाले से मैं बता दूँ, हमारे इस केस में भी सोमोटो लिया गया। हमारे केस में था, हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सोमोटो ले लिया। जी भाई, नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है। अपील, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में, सोमोटो हो गया कि जी ये इसको वापस से सुना जाए। एक इल्ज़ाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्ज़ाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को हमारे केस में। ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्ज़ाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं? जी कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं, मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां स्पीचेस चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।